हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगरी के उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को न भई स्तुति को उचारी है। धन धन तिन हिते काज संग आज भरे कर अरहंत परमात्मा उनकी जैसी दशा है वैसी दशा मेरी भी हो जाएगी। लेकिन उनकी दशा कैसी है ये तो बताओ। आपने भावना तो व्यक्त कर दी मंगलाचरण में, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, लेकिन आपकी कैसी दशा है, जैसी दशा मेरी हो जाए मैं भावना भा रहा हूँ, वो चर्चा यहाँ इस देव स्तुति में की गई है जिसकी चर्चा कल हमने यहाँ प्रारंभ की है। दौलत राम जी द्वारा लिखी गई है देव स्तुति बहुत सुंदर है, याद होनी चाहिए। कल हमने तीन छंद पढ़े थे, तीन याद करना आसान था एक दिन में, लेकिन जिन्होंने कल तक तीन नहीं किए तो आज आठ करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आज पाँच छंद लेंगे, पांच आज लेंगे, पांच कल लेंगे, पांच परसों लेंगे, पूरी हो जाएगी, फिर आगे शिविर शुरू हो। माने मेरा कहने का मतलब ये है कि ये आपको याद करनी पड़ेगी। बहुत से लोग सोचते हैं कि रोजाना पाठ करने से हो जाएगी, ऐसा नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा। आप यदि पुस्तक साथ में नहीं है आपके, मोबाइल में फोटो खींच लीजिए, दिन में 10-20 बार चलते फिरते हुए उसे गुनगुनाइए, उसे बोलिए, क्योंकि उसका अर्थ हमने यहाँ देखा है, देख रहे हैं, तो आपको मजा आएगा उसको बोलने में। मेरे तो दिन भर यही चलता रहा, क्या उठते बैठते घूमते फिरते हुए गाड़ी चलते हुए दिमाग में यही पंक्तियाँ घूम रही थी। कौन सी पंक्तियाँ? तीन छंद बोलते हैं हम, फिर आगे बढ़ेंगे। कोई शब्द ना समझ में आया हो तो अवश्य पूछना। सकल ये गायक तदबीर निजानंद रसलीन सो जिनेन्द्र जयवंत नित हरि रज रस विहीन हरि रज रस विहीन जय गीत राग विज्ञान पूर जय चुके थे। आज चौथे छंद के संदर्भ में हमारे को चर्चा करनी है। हे जिनेन्द्र देव आप कैसे हैं? देखिए पहले दूसरे और तीसरे छंद में जो चर्चा हुई थी उस चर्चा में भगवान की सर्वज्ञता की बात कही, भगवान की वितरागता की बात कही और भगवान की परम शांत मुद्रा को बतलाते हुए उनके हितोपदेशीपन की बात कही। नीचे की जो दो पंक्तियां कल अपन ने पढ़ी थी, भविभागन वच जोगे वशाय तुम धुनि है सुनी विभ्रम नशाय। हे जिनेन्द्र देव भव्य जीवों के भाग्य से आपकी वाणी निकलती है? आप सोचिए
भव्य जीवों का भाग्य ना हो और आपका वचन योग ना हो, इनका यदि कॉम्बिनेशन आपस में ना मिले तो 64 दिन तक वाणी नहीं खिली तो नहीं खिली। भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हो जाने के बाद में 64 दिन तक उपदेश हुआ ही नहीं, पात्रता ही नहीं थी किसी में उस वाणी को झेलने की। भव्य जीवों के भाग्य से भाग्य उदय होगा तो जनवाणी के वचन कान में सुनने को मिलेंगे, ये कह रहे हैं भवि भागन वच जोगे वशाय। ये बात अकेले तीर्थंकर परमात्मा के संदर्भ में ही नहीं है, ये जिनकी गंधकुटी लगती है ऐसे अरहंत परमात्मा के बारे में भी ये बात समझनी चाहिए। और इतना ही नहीं, जिनकी भी वाणी निकलती है, चाहे वे कोई भी आचार्य हो, मुनिराज हो, साधु संत हो, कोई विद्वान हो, ज्ञानी धर्मात्मा हो, उनकी यदि कोई वाणी जिन धर्म से संबंधित निकल रही है तो निश्चित रूप से सामने वाले जीवों के कुछ न कुछ भाग्य का उदय हुआ है। और देखो उनके भाग्य का उदय और अभागे जो इसे छोड़ करके चले जाते हैं, हमें कहां कहां जगत में भाग्योदय दिखाई देता है। सारे जगत में देखना हमें भाग्य कहां कहां दिखाई दे रहा है। मोक्ष मार्ग प्रकाशन पेज नंबर 17 है, भाग्यशाली हैं वे जीव जो जिनवाणी की चर्चा सुनने के लिए आते, भाग्यशाली हैं वे जीव जिनके कानों में ये तत्व चर्चा सुनने को मिल रही है। एक तरफ करोड़ों अरबों की संपदा हो और दूसरी तरफ जिन वचन सुनने का अवसर मिले, ये कह रहे हैं भाग्यशाली हैं वे, भव्य जीव हैं और उनके भाग्य उदय हो गया है। भवि भागन भाग्य से, क्यों इसको भाग्य क्यों कह रहे हैं? हमें तो उसमें भाग्य लगता है, अच्छी जॉब, अच्छी पोस्ट, अच्छा धन, अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, अच्छा पद, प्रतिष्ठा, संपदा, सम्मान। आज कितना सम्मान है तो ऐसा लगता है बहुत बहुत बड़ा काम हो गया है। कि नहीं भाई, यदि उस सम्मान के चक्कर में जनवाणी से दूर होता है तो अभाव है। यदि उस पद और प्रतिष्ठा के चक्कर में तुझे जिनवाणी सुनने पढ़ने का अवसर नहीं मिलता है तो तू अभागा है। ये भाग्य कह रहे, भव्य जीव भाग्यशाली है। पैसा मिल गया, पद मिल गया, उससे अभिमान हो गया, अभिमान से मति भ्रष्ट हो जाती है और पाप कर्म का बंधन करते हुए नरक में चला जाता है। शिव चंद्राचार्य ने कही ऐसी बात, बोलो माने आप जिसे भाग्य कह रहे हो उससे आचार्य देव कह रहे हैं हमें तो नरक में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बनारसी दास जी के पंक्तियां हैं नाटक समय सार की, नरक की साई है बड़ाई डेढ़ दिन की। क्या क्या साई? साई मतलब जान एडवांस, सौदा पक्का हो गया। क्या लिखा उन्होंने? नरक की साई है। क्या चीज? बड़ाई डेढ़ दिन की। क्या दम है इसमें? आज भी तुम्हारी प्रशंसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, समय बदलने पर वही निंदा करने लग जाते हैं, वही आलोचना करने लग जाते हैं। तुम कहां इस प्रशंसा यश के चक्कर में उलझ गए? तुम अपने स्वरूप को जानो। जिसने अपने स्वरूप को जाना पहचाना, जिसके कान में ये जनवाणी की चर्चा सुनने का अवसर मिल गया है, इसका मतलब ये है उसे ये बात पसंद आएगी। जिसे ये बात पसंद आएगी, जिसे जचेगी, जिसके हृदय में उतरेगी, वो व्यक्ति निश्चित रूप से जन्म जन्म मरण का अभाव करके मुक्ति की प्राप्ति करेगा। वो भव्य है वो जीव, वो भाग्यशाली दिखाई दे रहा है हमारे। उसके कदम परमात्मा बनने की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि वो भाग्यशाली है। आप किसे भाग्यशाली समझ रहे हैं? सारे जगत को कौन कौन भाग्यशाली? अरे क्या देखो आप, कोड़ियों के भाव खरीदे थे शेयर, क्या क्या, और देखो आप कितने हो गए। ऐसा लगता है अपने को 1995-96 के कुछ शेयर खरीदे हुए थे क्या? मैं तो भूल ही गया था, कुछ लेना देना नहीं था उनका। मुश्किल से 2000-4000 उनकी कीमत होगी क्या? और अभी एकाएक कोई व्यक्ति मिले, मैंने कहा यार, उन्होंने कहा शेयर, मैंने कहा फालतू तो मिट्टी हो जाते हैं, कुछ मतलब नहीं है, छोड़ दिया विकल्प। मैंने क्या था क्या था? मैंने कहा ऐसा किया था उस समय, किया था फिर 2006-07 के अंदर किया था, फिर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो आपके पास में शेयर होंगे वो तो जीरो हो जाएंगे और बाकी जिनके दाम बढ़ेंगे, मार्केट बढ़ेगा भी तो भी वो नहीं बढ़ेंगे जो आपके पास में। सही कह रहा हूँ ना? वो कौन से, मेरे में एक नाम ध्यान था, मैंने वो नाम बतलाया, उन्होंने कंप्यूटर पर चेक किया और वो 4000 के 1,60,000 में।
ये क्या हुआ, अपने को तो विकल्प भी नहीं था कुछ भी, ये ऐसा हो जाता है। लेकिन उसमें क्या लग रहा है अपने को, अपने को ऐसे लग रहा है अरे क्या भाग्यशाली, क्या भाग्यशाली कहा था मैं इसमें, क्या छोड़ के जाने के लिए इकट्ठा कर रहा है, साथ में ले जाने की तो व्यवस्था नहीं है ना। वहां लिखा था इस बात के इधर, भोगने की सामर्थ्य नहीं है, ले जाने की व्यवस्था नहीं है, और फिर भी आसक्ति घटती नहीं। आसक्ति क्या है ही नहीं ना हमारे में सामर्थ्य। ये कह रहे हैं भवि भागन, भव्य जीवों के भाग्य से, देखो भव्य जीव जब तीर्थंकर परमात्मा के समोह शरण में पहुंचते हैं, असमय में भी दिव्य ध्वनि गिर जाती है। बताएं आपको असमय में दिव्य ध्वनि गिरने का समय नहीं हो, और चक्रवर्ती जैसे ऐसे कोई भाग्यशाली जीव जिनका भाग्य जागृत हो रहा है वो वहां पहुंच गए समोह शरण में, भगवान की वाणी अपने आप निकलने लगती है चौथे समय में। तीन समय का तो नियम है, और भव्य जीवों के भाग्य से चौथे समय भी भगवान की वाणी अपने आप निकलती है। वो VIP कौन, जो भाग्यशाली है वो VIP है, पैसे वाले का नाम VIP नहीं है, पद प्रतिष्ठा वाले का नाम VIP नहीं है। क्या कहो आपके मुख्यमंत्री आकर के बैठे और नहीं निकले तो नहीं निकले वाणी। गौतम गणधर था VIP, बोलो आप, जैन नहीं था, बोलो। इसलिए किसी के VIPपन का कोई सवाल नहीं है भाई, ये तो भाग्य जिसका जागृत हो उसको सुनने को मिले। आप सोचो वो राजा चारों मंत्रियों के साथ में, परसों कहानी पढ़ी है अपन ने रक्षाबंधन की, बलि नमुची बृहस्पति और प्रहलाद के साथ में, कौन सा राजा था, क्या नाम था, श्री वर्मा, राजा श्री वर्मा 700 मुनिराजों के दर्शन करने के लिए गया, उपदेश लाभ प्राप्त करने की भावना से गया, मुनिराज नहीं बोले तो नहीं बोले, तेरे भाग्य में नहीं है घंटों बैठ करके आ जाए, नहीं है तो नहीं होगा, ऐसा ही होता है। कई बार ऐसा भी हो जाता है, यहाँ भी कोई कोई लोग आते हैं बाहर से, क्या और नहीं है साहब, अभी तो जयपुर में ही नहीं है, अभी तो यहाँ, बोलो ऐसा हो जाता है। अरे साहब हम तो समय निकाल के आए थे, तुम पूछ के क्यों नहीं आए थे, वैसे यहाँ सभा कभी बंद होती नहीं है अपने यहाँ, फिर भी चलिए। तीन हो गए यहाँ, भव्य जीवों के भाग्य से और आपके वचन योग से, तुम ध्वनि है सुनी, तुम्हारी ध्वनि को सुनकर विभ्रम नशाय, भ्रम नष्ट हो जाता है। और देखो इतना ही नहीं, भ्रम तो नष्ट होता है, आगे बहुत मार्मिक बातें कही है, तुम गुण चिंतत निज पर विवेक प्रगटे बिगटे आपद अनेक, तुम जग भूषण भूषण वियुक्त सब महिवायुक्त विकल्प मुक्त। कैसे है भगवान, भगवान का ही तो स्वरूप बतला रहे हैं, तुम गुण चिंतत, तुम्हारे गुणों का चिंतन करने से, तुम गुण चिंतक क्या होता है, निज पर विवेक, अपने और पराये का विवेक, क्या अपने पराये का विवेक, नीचे वाली लाइन में शब्द दिया है प्रगटे, निज पर विवेक प्रगटे, आपके गुणों का चिंतन करने से, कौन से गुणों का चिंतन करने से, अनंत चतुष्टय का चिंतन करने से, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख और अनंत वीर्य का चिंतन करने से, आपकी वितरकता का चिंतन करने से, आपकी सर्वज्ञता का चिंतन करने से, आपके हितोपदेशीपन का चिंतन करने से, प्रकटे निज पर विवेक, अपने और पराये का विवेक प्रकट होता है, वेद विज्ञान हो जाता है। और क्या होगा, विघटे ये तो प्रकट होता है, और विघटे आपद अनेक, अनेक प्रकार की आपदाएं नष्ट हो जाती है। कौन कौन सी आपदाएं नष्ट होगी, कोर्ट में केस चल रहा था वो निपट गया है? बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा था, क्या बहुत बड़ी आफत से ऐसे केस में उलझ गए थे, तो बस समझ लो आप बच के ही निकल गए। विघटे आपद अनेक, उन्हीं आपदाओं की चर्चा कर रहे हैं क्या यहां, नहीं भाई, लौकिक आपदाएं तो बहुत हो सकती है, जिन्हें आप आपदा समझते हैं, जिन्हें आप संकट समझते हैं, वो संकट तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन उन संकटों की यहां बात नहीं है। असली संकट कौन सा है, असली संकट कौन सा है दीपेश जी,
आप बोलते हो ना बहुत जोर जोर से, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा मेटो मेटो जी संकट हमारा। कौन सा संकट है देख रहे, विघटे आपद अनेक। हे जिनेंद्र देव, आपकी भक्ति से आपकी स्तुति से विघट जाएगी, नष्ट हो जाएगी अनेक प्रकार की आपदाएं, और आप कह रहे हो मेटो मेटो जी संकट हमारा। संकट क्या है डॉक्टर साहब, एक तो बताएं आप क्या बात कर रहे हो, एक आध संकट है क्या भाई? नालू कितने संकट हैं, एक के बाद एक संकट, ये संकट तो पीछा ही नहीं छोड़ते, लगे रहते हैं दिन रात। कौन कौन से संकट है? असली संकट, असली संकट वही तो कह रहे हैं आप। ये जो कह रहे हो ना कि आपद अनेक विघटे का असली आपदा कौन सी है? जग के दुख की तो परवाह नहीं है। संकट क्या है आपको? घर गृहस्थी का संकट है, बिजनेस का संकट है, चोरों का संकट है, बीमारियां फैल रही है उसका संकट है। तुम तो कह रहे हो जग के दुख की तो परवाह ही नहीं, अब काय का संकट है? अब कौन सा संकट बच गया है? नहीं नहीं ये तो नहीं है, लेकिन फिर भी आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आए फ्यूचर में। स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है, जग के दुख की परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की चाह नहीं है, अब कौन सा संकट है? मेटो जामन मरण होवे ऐसा यतन, पारस प्यारा मेटो। अब जिस समय आप हाथ जोड़ करके पार्श्वनाथ भगवान के सामने खड़े होकर के जब ये पंक्तियां गुनगुनाते हो, मेटो मेटो जी संकट हमारा, तो आपके दिमाग में कौन से संकट आते हैं बताओ? बोल रहे हो स्तुति, मैं नहीं कह रहा हूं, आप ही बोल रहे हो, आप ही कह रहे हो जग के दुख की परवाह नहीं, आप ही कह रहे हो स्वर्ग सुख की चाह नहीं है, और फिर भी कह रहे हो मेरा संकट मेटो। तो भगवान उतर करके सामने आ गए, तू बता तो सही तेरे को संकट कौन सा है? तू कह रहा है मेटो, लेकिन कौन सा संकट मिटाना चाहता है ये तो बता। मेटो जामन मरण ये है असली आपदा, विघटे आपद अनेक, ये जन्म मरण का संकट, ये राग द्वेष का संकट, ये मोह भाव का संकट, ये मिथ्यात्व ये संकट है। मिथ्यात्व रूपी संकट और आपदा जिसके ऊपर मंडराती रहती है वो व्यक्ति नौवे ग्रहलोक में चला जाए तो भी दुखी रहता है। ये महासंकट है, ये ग्रहण है असली ग्रहण। सारा जगत ग्रहों के निवारण की सोचता रहता है, उनको पता ही नहीं है कौन सा ग्रहण पीछे लगा है, ये मिथ्यात्व का ग्रहण पीछे लगा हुआ है। मिथ्यात्व यदि साथ में है, रत्नों के पालने में जुड़ाओ आप, उसके बावजूद भी सुखी नहीं हो सकता, दुखी है। मिथ्यात्व की वजह से दुखी है, मान्यता की वजह से दुखी है, अभिप्राय में खोटे इस वजह से दुखी है। विघटे आपद अनेक, चलो अपने को तो 5 छंद पूरे करने हैं भाई, क्या मर्म तो ऐसे भरे, एक एक छंद की एक एक दिन चर्चा करो खूब आराम से, बहुत आराम से हो सकती है। लेकिन मेरा विकल्प ये, 23 तारीख से शिविर है ना अपने जयपुर में, तो 22 तक अपन ये स्तुति पूरी कर दें, तो फिर शिविर के बाद दूसरा भाग शुरू करेंगे। क्या करें, देखो जो भी होगा। चलिए और क्या कहा, हे भगवान क्या कहा, आपके गुणों का चिंतन करने से अपने पराये का भेद विज्ञान होता है, और अपने पराये का भेद विज्ञान होते ही आपदाएं अपने आप नष्ट हो जाती है। भगवान आप नहीं उतरोगे, देखो आपको संकट लग रहा था, अरे यार इतना बड़ा संकट था, यहां से इतनी बहुमूल्य चीज साथ में लेकर के जा रहे थे, संकट था है ना, डायमंड सेट था, ये था, बहुमूल्य चीजें थी, चोरी नहीं हो जाए, और निज पर का विवेक जैसे ही जागृत हुआ वैसे ही पता लग गया कि ये मेरा नहीं है, अब काय का संकट है, जाए तो जाए और रहे तो रहे, अब काय का संकट है।
निज पर विवेक जागृत होते ही फिर संकट नहीं रहता है। संकट तब तक है जब तक पर को अपना और अपने को पर में मिलाया है। आगे करेंगे चर्चा इसकी, आगे के चरणों में आएगी चर्चा, आगे इस तरह की चर्चा की है आगे के चरणों में। उसमें कहा है निज को पर को करता पहचान, अपने पराये में मिलावट की बात। तुम जग भूषण, आगे देखो पंक्तियां, हे जिनेन्द्र देव आप जग के आभूषण हैं, जगत में सर्वश्रेष्ठ हैं, दूषण वियुक्त सर्व दूषणों से रहित हैं, आप में कोई दूषण नहीं है और सब महिमा युक्त, क्या महिमा है आपकी, विकल्प मुक्त कोई विकल्प नहीं, सर्व प्रकार के विकल्पों से रहित हो। हमारे तो यहाँ जंजाल चल रहा है दिमाग में संकल्प विकल्पों का, अनंत अनगिनती विकल्प चलते रहते हैं, अनगिनती जन्मों में अनगिनती कल्पों में कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, क्या ये है ना, कब कब तक घूम चुका है, कब तक भटकेगा, जन्म मरण कर रहा है, संसार में परिभ्रमण कर रहा है, किसमें संकल्प विकल्प संकल्प विकल्प संकल्प विकल्प, ये कर लूं ऐसा कर लें ऐसा हो जाए, ये हो जाना चाहिए, ये हो जाए तो अच्छा रहेगा, ये क्यों नहीं हो जाता, ये ऐसा क्यों नहीं हो गया, इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है, इतनी ठंड क्यों पड़ रही है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, तेरे हिसाब से चलेगी सारी दुनिया, अरे तो मेरे हिसाब से चले, कौन कौन तुम्हारे हिसाब से चले बोलो, क्या चाहते हो, ये हिसाब सबसे पहले तो फैमिली अपने हिसाब से चले, अच्छा फैमिली तुम्हारे हिसाब से चलने लग गई तो अभी सुखी थोड़ी ना होता है, अब कहता है पड़ोस वाले भी मेरे हिसाब से चले, अब इसको लगता है जानने वाले परिचित लोग भी सारे रिश्तेदार लोग भी मेरे हिसाब से चले, और बहुत शाम से कहता है अपनी बिल्कुल चलती है सब सब जगह, क्या अपन तो कहीं भी कुछ भी कह दें ना तो आज की तारीख में तो किसी की हिम्मत नहीं है हमारे पूरे परिवार में कि कोई अपनी बात को टाल दे, लेकिन फिर भी इन समाज में भी चलनी चाहिए, सब अपनी माने कि तू किसकी मानेगा ये तो बता दे, मेरी तो सब माने और मैं भगवान की भी नहीं मानू, क्या हो गया है, सब महिमा युक्त हैं आप और विकल्प मुक्त हैं, जहां विकल्प होते हैं वहां दुख होता है और जहां विकल्प नहीं होते वहां सुख होता है, निर्विकल्पता में सुख है, निर्विकल्पता में आनंद है, आप अनंत सुखी हैं, आप अनंत आनंद संपन्न हैं, वो निर्विकल्पता का आनंद अपूर्व आनंद है, भगवान को कोई विकल्प नहीं है। देखिए आप प्रैक्टिकल अपने लाइफ में देखना, जहाँ जहाँ आपके चित्त में विकल्प संकल्प ज़्यादा होंगे वहाँ आकुलता होगी, बेचैनी होगी, तकलीफ होगी, किसी चीज़ का आप निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, डिसीजन नहीं कर पा रहे हैं, आपको बहुत विकल्प चल रहे हैं, पता नहीं क्या करूँ, क्या होगा, क्या होगा, क्या पता नहीं, तो ये जो आकुलता व्याकुलता है ये दुख का कारण है। और आप कैसे हैं हे प्रभु, विकल्प मुक्त हैं, और कैसा है आपका स्वरूप, आगे वाला छंद बोलिए, परमात्म परम पावन अनूप शुभ अशुभ विभाव अभाव कीन स्वाभाविक परिणति मय अचीन, अविरुद्ध अविरुद्ध विरुद्ध नहीं है, किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है, शुद्ध है आप, कौन है शुद्ध, अरहंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा जैसा शुद्ध कौन होगा, कोई नहीं है जगत में, और आप शुद्ध भी हैं, चेतन स्वरूप हैं, चेतना स्वरूप है, ज्ञान दर्शन स्वरूप हैं, हे परमात्मा, हे परमात्मा आप परम पावन हैं, पावन माने होता है पवित्र, और परम पावन हैं आप, परम पवित्र हैं, अनूप आपको किसकी उपमा देवे, क्या भक्तामर स्तोत्र में दो दिन पहले अपन ने चर्चा की है, किसकी उपमा दे हैं भगवान आपको, सूर्य की उपमा दे रहे, बादलों के द्वारा ढक दिया जाता है, अस्त हो जाता है, नास्तम कदाचित उपयासीन राहु गम्य, केतु के माध्यम से आपके नीचे विमान चलता है, आपके ग्रहण लग जाता है, ये चंद्रमा की उपमा दो भगवान को, ये क्या चंद्रमा की उपमा देवे, बिंबम कलंक मलिनम का निशा करस्य, कलंक से मलिन आपका स्वरूप दिखाई दे, बोलो आप चंद्रमा में तो कलंक है, आप तो निष्कलंक है, चंद्रमा के नीचे राहु का विमान आता है तो ग्रहण लग जाता है, आप तो ग्रहण से रहते हैं,
क्या उपमा देवे आपको? सूर्य चंद्रमा आदि जितनी उपमाएं जगत में दी जा सकती है, कोई उपमा आपके ऊपर लागू नहीं होती। आप कैसे हैं? अनूप हैं। क्या अनुपम है? उपमा रहित है। आपने काम क्या किया ऐसा जिससे ऐसे हो गए? आपने ऐसा क्या काम किया भगवान? मैंने आपकी हिस्ट्री पढ़ी थी, आपके बारे में पढ़ा था मैंने शास्त्र में, तो मुझे पता लगा आपकी हालत तो मेरे से भी खराब थी। क्या पहले पिछले जन्मों में, पिछले भवों में मैंने देखा तो मुझे पता लगा कि आप तो वहां नरक में गए थे, आप वहां गए थे, आप भील की पर्याय में थे, शिकार खेलते थे। हे महावीर भगवान, मैंने देखा था आप तो हिरण को फाड़ करके खा रहे थे जब शेर की पर्याय में थे, मेरे से भी खराब हालत थी। मांस भक्षण करते थे, एक कौवे का मांस छोड़ा था आपने, बाकी सारा मांस खाते थे, एक कौवे का मांस छोड़ा था उस भील की दशा में, मेरे से बहुत ज्यादा हालत खराब थी आपकी। लेकिन आपने ऐसा क्या किया कि आप तो सिद्धालय में पहुंच गए और मैं यहीं रह गया? ऐसा क्या हुआ बताओ तो सही। तो ये आगे की लाइनों में कह रहे हैं, शुभ शुभ ये दोनों विभाव हैं, शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख, ये दुख स्वरूप है। अशुभ में तो आकुलता है ही, शुभ में भी आकुलता है। आचार्य कुंदगुंद स्वामी ने समय सार ग्रंथाधिराज पुण्य पाप अधिकार पूरे अधिकार में पूरा अधिकार लिखा है, पूरा चैप्टर लिखा है एक अलग से, जिसमें उन्होंने शुभ और अशुभ की समानता की बात कही। दोनों समान है। बनारसी दास जी ने नाटक समय सार में 400 साल पहले लिखा, दोहू माई दौड़े धूप, दोहू कर्म बंध रूप, याते ज्ञान बनते नहीं को अभिलाखे में। ज्ञानी जीव दोनों की अभिलाषा नहीं करता, शुभ और अशुभ दोनों एक समान। क्या बात कर रहे हो आप, पाप और पुण्य दोनों समान है? कि हाँ, दोनों अभाव करने लायक है, दोनों नष्ट करने योग्य है। दोहू माई दौड़े धूप, बोलो, व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए, काम धाम के लिए, घर गृहस्थी के लिए भाग दौड़ में लगे रहते हो आप दिन रात, आकुलता रहती है ना बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपको चलो 2 दिन का यात्रा का प्रोग्राम बनाना है, अब कहाँ से जाएंगे, क्या व्यवस्था होगी, क्या कहाँ ठहरेंगे, कहाँ दर्शन करेंगे, क्या है, कौन सी तारीख में चलेंगे, समय हो सकता है क्या, कैसा हो सकता है क्या, फिर जाने के पहले आकुलता चल रही है। वो काय की आकुलता है? वो पाप की नहीं है, वो शुभ भाव की है। आपको दुकान जाने की आकुलता रहती है, ऑफिस जाने की आकुलता रहती है, लेकिन मंदिर आने की भी तो आकुलता रहती है। वो पाप की आकुलता है, वो अशुभ की आकुलता है, ये शुभ की आकुलता है, लेकिन आकुलता तो दोनों में है। लेकिन हे भगवान, आप तो आकुलता से रहित हो गए हो, आपने शुभ और अशुभ इन दोनों को विभाव कहकर के पुकारा है, यहां स्वभाव नहीं है, इनको आपने अभाव कर दिया है। शुभ अशुभ विभाव अभाव कीन, अभाव कर दिया है। और स्वाभाविक परिणति मय, आप कैसे स्वाभाविक परिणति मय हो गए हैं, अक्षीण जो नष्ट नहीं होने वाली है, स्वाभाविक परिणति मय अक्षीण, अक्षीण दशा, कभी भी क्षीण न होने वाली दशा को आपने प्राप्त कर लिया है। आपने ऐसे पद को प्राप्त कर लिया है जो पद अब कभी नहीं छूटेगा। प्रवचन सार में आचार्य कुंदगुंद स्वामी कहते हैं, जगत के सारे पद अपद हैं, अपद में मस्त हैं हम लोग सब। कहां अध्यक्ष बना दिया साहब आपको, मंत्री बना दिया आपको, समाज के अध्यक्ष हो गए, आप क्या समझ रहे हैं, क्या पद मिल गया है भाई मेरे को? अरे ये पद नहीं है, जो पद छूट जाए वो पद कैसा पद? ये अपद पद में मस्त जगत के प्राणियों, अंधे जगत के प्राणियों, ऐसे शब्द का प्रयोग किया है। ये पद है जो अक्षीण है, जिसे कोई छीन नहीं सकता, अछीन छीन नहीं सकता कोई, आपका पद तो छीन जाएगा। बोलो, सीट पर बैठा दिया कि अब मुख्यमंत्री बना दिया, पद से उतरेंगे कि नहीं?
छीन लिया जाएगा। जिस समाज ने, जिस दुनिया ने, जिन वोटर्स ने तुम्हारे को चुनकर के ऊपर बिठाया है, या तुमने यदि अच्छे काम नहीं किए तो अगले इलेक्शन में वही वोटर्स तुम्हें नीचे उतार लेंगे, छीन लेंगे तुम्हारा पद। अरिहंत पद को छीनेगा कोई? सिद्ध पद को छीन सकता है कोई? हे भगवान, आपने जिस पद को प्राप्त किया है वो अछीन है। पांच हो गए, आगे चलिए। और कैसे हैं आप? भगवान का स्वरूप बतला रहे हैं, भगवान के सामने खड़े हो और भगवान के स्वरूप का चिंतन करो। अष्टादश दोष विमुक्त धीर स्वच नाश्ता करके नहीं आए ना? जाके करते हैं बहुत सारे लोग, मुझे पता है। अष्टादश दोष, 18 दोष विमुक्त, उनसे मुक्त हो गए हैं। हे धीर, धीर, धीर का मतलब होता है धारण करने वाले। अष्टादश दोष विमुक्त और धीर स्वचतुष्टयमय राजत, राजते हैं, विराजमान हैं, गंभीर। 18 दोष जानते हैं आप? अगले भाग में पढ़ेंगे कुछ दिन बाद। क्षुत पिपासा जरातंक जन्मयांतक भयस्मया न राग द्वेष मोहाश्चय यस्याप्त सप्रकीर्त्यते। समंत भद्राचार्य की पंक्ति आए हैं रत्नकरण श्रावकाचार्य की। क्षुत पिपासा, क्षुधा, तृषा, सारा वर्णन है, करेंगे आगे। 18 दोष से रहित अरंत भगवान कैसे? जन्म नहीं है, जरा नहीं है, बुढ़ापा नहीं आता है, मरण नहीं होता है, बोलो, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, मोह नहीं है, पसीना नहीं है, निद्रा नहीं है, खेद नहीं है, विस्मय नहीं है। कैसा स्वरूप है अरंत परमात्मा का? 18 दोषों से रहित हैं ये भगवान आप। और स्वचतुष्टय मय, चतुष्टय, स्वचतुष्टय कौन से हैं बोलो? स्वचतुष्टय कौन से हैं? कौन बोलेगा? मिमी वैसा, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत ज्ञान, ये स्वचतुष्टय। विकास जी, स्वचतुष्टय नाम ध्यान है ना? ये सहित हैं और राजते हैं, विराजमान होते हैं, अत्यंत गंभीर। और कैसे हैं? मुनिगण धरादि से मत महंत नव केवल मुनिराजों और गणधरों के माध्यम से जिनकी सेवा की जाती है, सोचो तो सही आप कौन है? देखो, इंद्र जैसे पदवीधारी भी, चक्रवर्ती जैसे सम्राट भी मुनिराजों के चरणों में अपना मस्तक धरते हैं, मुकुट धरते हैं, अपना मस्तक झुकाते हैं मुनिराजों के आगे, वीतरागी संतों के आगे, महामुनिराजों के आगे। और वे मुनिराज किसके आगे मस्तक झुकाते हैं? बोलो, मुनिराजों में जो सर्वश्रेष्ठ हैं वे हैं आचार्य गणधर, गणधर परमेश्वर। अब ये जो गणधर हैं, मुनिराज और गणधर अधिक, इनके द्वारा आपकी सेवा की जाती है। हे भगवान, आप हैं कौन? सौ सौ इंद्र आपके चरणों में झुकते हैं, शत इंद्र वंदन करते हैं आपको, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, वैमानिक, चार चार प्रकार के देव, मनुष्यों में चक्रवर्ती, त्रियंचों में सिंह, सूर्य, चंद्र, ये सब आपके चरणों में आकर के झुकते हैं। तीन तीन गति के जीव आपकी आकर के सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं। कल्पद्रुम विधान, समवशरण विधान, समवशरण में बैठे हुए तीर्थंकर परमात्मा, मुनि गणधरादि सेवत महंत, आप महंत हैं। और नव केवल लब्धि रमा धरंत, नव केवल लब्धि, आप जानते हैं 9 लब्धियां हैं, केवल ज्ञान हो जाने पर ये 9 लब्धियां प्रकट होती है अरंत परमात्मा के जीवन में। क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक सुख, क्षायिक चारित्र, क्षायिक ज्ञान, ठीक है ना, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ऐसा समझ लो आप, चार जो सम्यक और चारित्र को गिना जाता है उनमें। फिर दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दान, क्षायिक लाभ,
शायक भोग, शायक उपभोग और शायक वीर्य, पांच और चार। तो इस तरह से नौ लब्धियों से आप सहित हैं, इनको धारण करने वाले हैं, ऐसे हैं। देखो महिमा बतला रहे आनंद भगवान की, हे भगवान आप कैसे हैं। देखो यदि भगवान के दर्शन करते समय भगवान की महिमा नहीं आ रही है तो आप भगवान के दर्शन ही नहीं कर रहे हो, क्या दर्शन कर रहे हो? प्रतिमा सामने विराजमान है, फिर आपको महिमा किस किस की आएगी भगवान जाने, किस किस की महिमा आती है आपको? रत्नों की महिमा आती है, सोने चांदी की महिमा आती है, प्रतिमाओं की विशालता की महिमा आती है, इधर उधर की बातों की महिमा आती है आपको, वेदियों की महिमा आती है, प्रतिमाओं की प्राचीनता की महिमा आती है, सोने की है प्रतिमा, इतनी विशाल प्रतिमा, इतनी सी महिमा आती है इन सब बातों की आपको। भगवान के स्वरूप को जान करके भगवान की महिमा आवे, वो असली महिमा है। ये भगवान की महिमा की चर्चा चल रही है। और देखो व्यवहार भाषा के अंदर कैसी चर्चा करते हैं, आगे वाला छंद। शासन से तुम्हारे शासन की माने आपके द्वारा बतलाया गया मार्ग वो है शासन। शासन जानते हैं किसे कहते हैं? आपका शासन क्या है? एक पर्व मनाते हैं हम लोग, वीर शासन जयंती। क्यों मनाते हैं? क्या है ये वीर शासन जयंती? वीर शासन जयंती के दिन पूरा फ्लाइट में था मैं, अमेरिका से लौटते समय, अभी इसलिए चर्चा नहीं हुई अपनी यहाँ पर उसके बारे में। वीर शासन जयंती, भगवान महावीर स्वामी की जिस दिन दिव्य ध्वनि घिरी, उनकी दिव्य ध्वनि और उनका दिव्य उपदेश होना वो उनका शासन है, वो जयंती है उसकी, वहां से प्रारंभ हुआ वो भगवान महावीर स्वामी का शासन। तुम शासन से आपके द्वारा बतलाई गई वाणी को सुनकर समझकर स्वीकार करके अमेय जीव, अमेय मतलब असीम, अमेय मतलब अनगिनती, अमेय मतलब अनंत, अनगिनती जीवों ने, अमेय शब्द का अर्थ होता है असीम, शब्दार्थ तो है असीम, सीमा नहीं है, माने अनगिनती ऐसा मान के चलो। आपके शासन की सेवा करने से, उसे जीवन में उतारने से अनगिनती जीव शिव गए, मोक्ष प्राप्त कर गए हैं। अनगिनती जीव शिव मतलब मोक्ष गए, जा चुके हैं, जाएं, जा रहे हैं और जय हैं सदीव, जाते रहेंगे भविष्य में भी सदा। आपके बताए हुए मार्ग पर चलने की ऐसी महिमा है। भगवान के सच्चे भक्त कौन जो भगवान के बताए हुए मार्ग पर चले, उनके उपदेश को सुने, उनके उपदेश को स्वीकार करके उनके उपदेश को अपने जीवन में उतारे, वे भक्त हैं उनके। आपके शासन को, आपकी वाणी को, आपके उपदेश को जीवन में उतार कर आज तक अनगिनती जीव मोक्ष चले गए, अभी भी जा रहे हैं और भविष्य में भी जाते रहेंगे। देखो आगे क्या कह रहे हैं, भव सागर में दुख चारे बारी तारण को और न आप ठारी। भव समुद्र में, भव सागर में कितने दुख हैं, कैसे दुख हैं? चार वारी, वारी मतलब पानी, चार मतलब खारा, खारे पानी की तरह है संसार में दुख, अनगिनती दुख है। ये संसार समुद्र खारे पानी की तरह है, इस संसार समुद्र से तारण को तार देने के लिए, पार उतारने के लिए और ना और कोई नहीं है, आप टारी, आप ही एकमात्र टारने में निमित्त भूत हो, आपकी वाणी ही एकमात्र कारण है। कौन पार लगाएगा, कौन पार उतारेगा इस संसार समुद्र से? है कोई जगत में ऐसा? आपके अलावा और कोई नहीं है, हे भगवान, हे महावीर स्वामी आपके अलावा और कोई नहीं है, हे आदिनाथ भगवान, क्या शिव मार्ग विधेय विधानात आप हैं ऐसे,
मुक्ति के मार्ग का अनुसंधान करने वाले। आप नहीं होते तो जगत के जीवों को, संसार समुद्र में डूबते हुए जीवों को, भव जले पतताम जनानाम, भक्तावर की पंक्ति है ना, संसार समुद्र में डूबते हुए जीवों को कौन शरणभूत होता, कौन सहारा देता? आप ही देखो। और इसी तरह के है आगे वाला छंद भी ऐसा ही है। यह लखी यह देखकर, क्या देखकर कि तारण को और न आप टारी, ये देखकर आपके अलावा दूसरा और कोई भी जगत में जीवों को सुख का मार्ग बतलाने में समर्थ नहीं है। यह लखी यह देखकर, आप तो सुख का मार्ग बतलाते हैं और निज दुख गद, और अपने दुखों को जो मैं दुखी हूं, निज दुख गद हरण काज, अपने दुखों को दूर करने की भावना से, यह देखकर कि आप दुख से दूर कराने वाले हैं और मैं दुखी हूं, इसलिए बोलो आपको बहुत ज्यादा कान की तकलीफ हो, आपको पता है वो कानों के डॉक्टर हैं बहुत अच्छे। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था, रोज मिलते हैं, रोज जानते हैं, रोजाना यही करते हैं और हमें पता ही नहीं था कि डॉक्टर हैं। तो आप बताओ ना यार, कुछ इलाज तो करो, कुछ क्या हो सकता है। जैसे ही मुझे पता लगा हे भगवान आप दुखों को दूर करने वाले हो, तो क्या होगा, तुम ही निमित्त कारण इलाज, मेरे दुख को दूर करने के लिए निमित्त कारण है आप, दुखों का इलाज करने के लिए आप निमित्त कारण है, जाने जानकर ताते, इसलिए मैं शरण आए, मैं आपके शरणों की शरण में आया हूं। किसकी शरण में जाऊं जगत में? अब उन भगवान के सामने खड़े होकर के की जाने वाली स्तुति है। यह लखी निज दुख गद हरण काज, तुम ही निमित्त कारण इलाज, जाने ताते मैं शरण आए, उजरू निज दुख जो। आपके पास में आया हूं और कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, मैं ऊंट बदन भैंसा भयो, तापे लदी हो भार अपार हो, उचरो निज दुख, कह रहा हूं, बोल रहा हूं, क्या कह रहा हूं, दुख की बात कह रहा हूं, जो चिर नहाए, बहुत लंबे काल से जिन दुखों को हे भगवान मैंने आपके सामने भोगा है, जिन दुखों को इस संसार दशा में मैंने भुगता है, उन दुखों का वर्णन हे भगवान मैं आपके सामने उच्चारण करके कह रहा हूं, तुमने मेरे पास में क्यों आया है ये बता। तुझे पता नहीं है क्या कि मैं वितरागी हूं? कि भगवान पता तो है आप वितरागी हो, फिर क्यों आया मेरे पास में? कि नहीं, निमित्त कारण तो आप ही हो, तुम ही निमित्त कारण इलाज, क्या मेरे दुख को दूर करने का या मेरे दुख का इलाज करने के लिए आप कारण तो नहीं हो, आप उतर करके तो नहीं आओगे, क्या आप बचाओगे तो नहीं, लेकिन आप निमित्त कारण जरूर हैं। आपका शासन, आपकी वाणी, आपका उपदेश, आपकी दिव्य ध्वनि, आपके द्वारा प्ररूपित मुक्ति का मार्ग जो आज भी उपलब्ध है ज्ञानियों के माध्यम से, आपकी वाणी को गणधरों ने सुना, गणधरों के माध्यम से आचार्यों, और आचार्यों के माध्यम से बढ़ते बढ़ते मुनिराजों के माध्यम से, विद्वानों और ज्ञानियों के माध्यम से, आज भी इस धरती पर वही वाणी वीर हिमाचल के निकसी, गुरु गौतम के मुखकुंड डरी है, ज्ञान पयो निधि माही रली, बहुभंग तरंग निसो उचरी है, ताशुचि शारद गंग नदी प्रति, मैं अंजलि कर। पहले ली थी हमने जनवाणी स्तुति, तीसरे भाग में थी, भूल गए। यह लखी निज, क्या देख करके, आपकी ये स्वरूप देख करके कि आपके अलावा दुनिया में और कोई नहीं, किसकी शरण लूं मैं? अशरण भावना पड़ी है अपन ने कुछ दिन पहले, जगत में कोई शरण नहीं है, आप ही शरण भूत हो। तो फिर जब हम कुछ करते ही नहीं है तो क्या होगा? आपको देख करके वितरागता ख्याल में आती है, आपको देख करके आपकी सर्वज्ञता ख्याल में आती है, आपको देख करके भविष्य में क्या होगा
ये आपके ज्ञान में झलक रहा है, ये बात ख्याल में आती है। आपको देख करके एक बात का पता लगता है कि आपकी नासाग्र दृष्टि को जब हम देखते हैं तो पता लगता है जगत में कुछ देखने लायक नहीं है। किसको देखें हम? अपने स्वरूप को देखो, अंदर में देखो, अंदर में देखने की भावना जागृत होती है तो फिर कौन से दुख हैं? ये जो कहा ना उच्चरों, उच्चरों मतलब कहना, बखान करना, वर्णन करना, निज दुख। भगवान ने पूछ लिया कि चल तू बता, कोई बात नहीं, कि तेरे को कौन कौन से दुख हैं, हम करेंगे कुछ तो करेंगे, जो भी होगा तो बता तो सही क्या दुख हैं। तो फिर इसने आगे के छंदों में वो दुख बतलाना शुरू किया, और फिर पहले तो दुख बतलाए, और फिर दुख बतलाने के बाद में ये भी कहा कि तुम जानत जिनेश, मैं कह तो रहा हूं लेकिन मुझे ये भी पता है कि आप सब जानते हो। ये सारी चर्चा आगे बहुत सुंदर शब्दों में की गई है, हम इन सब की चर्चा को कल आगे बढ़ाएंगे। आज जो छंद कहे हैं आप उनको बोलना, फोटो खींचना, अपने साथ में रखना, दिन भर बोलने का प्रयास करना। प्रमाण